यह बच्ची रुमाल लेकर तुरंत अपना सिर ढंक लेती है। कितनी प्यारी है। बदकिस्मती से यह बच्ची बांधकर यहाँ बर्फीले पहाड़ पर ले आई गई है। न केवल इसे एक पिंजरे में रहना है बल्कि बड़ों के लिए खाना भी पकाना है। सनी पानी लेने के लिए बर्फ पर घुटनों के बल बैठती है। अगवा करने वाले समूह में से एक आदमी उसकी मदद करने आता है और अपने खुले हाथ से बर्फ तोड़ देता है। फिर एक बड़ी सालमन निकालता है। सनी तुरंत उसको कसकर जकड़ लेती है। फिर वो कार की डिक्की खोलती है, जमे हुए ड्रिंक्स निकालती है और उस आदमी के पास खड़ी हो जाती है काम करने के लिए। आदमी सालमन पकाने का जिम्मा लेता है जबकि सनी अपने मजबूत तांबे के दांतों की मदद से स्मूदी बनाती है जो इतनी तेज है कि कोई नहीं रोक सकता। अगवा करने वाले का चेहरा गंदा होता देखकर वो अपने रुमाल से उसका चेहरा धोती है। किडनैपर इतना भावुक हो गया है कि बस रोने को है। हालांकि उन्होंने नाश्ता बनाने में बहुत मेहनत की है। अंकल उसे जमीन पर फेंक देते हैं। I wanted a nice hot breakfast. सनी डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करे। उसे दोबारा नाश्ता बनाने का हुक्म मिला है। वो लकड़ी के ढेर के पास बैठती है और दो लकड़ियां आपस में रगड़कर आग जलाने की कोशिश करती है लेकिन अंकल लैरी के बर्दाश्त की हद हो गई है। Kind of baby doesn't know how to start a fire. हे भगवान, कोई इंसान सचमुच ऐसा कह सकता है। नाश्ता जल्दी पाने के चक्कर में लैरी उसे आग जलाने के लिए एक सिगरेट दे देता है। जलती हुई हरी सिगरेट देखकर सनी को एक तरकीब सूझती है। वो सालमन को धुआं दिखाने के बहाने बड़ी सी हरी आग जलाना चाहती है। इस अजीब से धुएं ने किस्मत से पर्वत के नीचे उसके भाई बहनों का ध्यान आकर्षित किया। यह जरूर सनी का इशारा होगा। यह सोचकर कि उनकी बहन तकलीफ में है, वॉलेट ने तुरंत अपने मुड़े हुए कांटे और खुली रस्सियों से साधारण हाइकिंग के जूते बना डाले। वे जमे हुए जलप्रपात पर चढ़कर अपनी बहन को बचाने वाले हैं। अभी सब कुछ तैयार है और वे पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ रहे हैं। वे पहले बर्फ में मोमबत्ती का होल्डर फंसाते हैं, तब बर्फ की दीवार में अपना जूता फंसाते हैं। कदम दर कदम वॉयलेट पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुकी है। खड़ी चट्टान से अपनी बहन को लटका देखकर सनी अपना छोटा सा सिर घुमाकर कहती है, कितना परेशान करती है यह, लेकिन उसने तो उस पर नजर रखने की जिम्मेदारी ली है। किडनैपर की दुविधा देखकर हे भगवान, किडनैपर तुरंत सॉफ्ट ड्रिंक लेने भागता है जानते हुए कि यही मौका है। वॉयलेट जल्दी से ऊपर चढ़कर आती है, रस्सी अंदर फंसाती है और पिंजरा खोलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जब वो कहती है कि वे सनी को घर ले जाएंगे, वो दृढ़तापूर्वक माना कर देती है। यह खुलासा होता है कि कैद रहते हुए सनी ने छिपकर सुना है कि लैरी की कोई बड़ी योजना है। कुछ और नहीं जानने के बावजूद सनी को लगता है कि उसे यहाँ जासूस के तौर पर रहना जारी रखना होगा। लेकिन तुम सिर्फ एक बच्ची हो, वॉयलेट के कितना भी समझाने के बावजूद वो अपना फैसला नहीं बदलती। अपना संकल्प दिखाने के लिए सनी पिंजरा बंद कर लेती है लेकिन वॉयलेट अभी भी चिंतित है कि उसकी बहन भाग नहीं सकती। इस क्षण सनी एक लटकन फाड़ती है और सफाई से अपने सिर पर एक चोटी बांधती है जिससे उसका मतलब है कि वो अपना ख्याल रख सकती है। आखिरकार वॉयलेट मान जाती है, अपनी बेचैनी को दबाती है और पिंजरे पर ताला लगा देती है। फिर सनी को ताला खोलने की चीज देती है। वे एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। किडनैपर को सोडे की बोतल के साथ देखकर लैरी को गुस्सा आ जाता है। क्या यह मुझे धोखा देना चाहता है? वो पिंजरे को नीचे खाई में फेंक देने का हुक्म देता है क्योंकि वे अभी भी सनी के लिए चिंतित थे। उसके दो भाई बहन फिर से पहाड़ की चोटी पर आते हैं। यह बुरी खबर सुनकर उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ठीक इसी पल सनी कार के पीछे से निकल कर आती है। वो जिंदा मिलती है। उसके भाई बहन चैन की सांस लेते हैं लेकिन अचानक पहाड़ पर से एक बच्चों का झुंड दिखता है। वे सभी अमीर बच्चे हैं। दरअसल वे लैरी के निशाने पर हैं। जब वे गलीचे के बीचों बीच पहुंचते हैं तुरंत सीटी बजती है और वैसे ही तीन चीले आसमान से नीचे उड़ती हुई आती हैं। एक एक करके वे जमीन से लकड़ी का लट्ठा उठाती हैं और गलीचे को मोड़ देती हैं। बच्चे बंदी बन चुके हैं। अगले दो भाई बहन हैं। Any last words? सनी स्नोबोर्ड को आगे धकेलती है जबकि उसके छोटे पैर बहुत तेजी से भाग रहे हैं। लैरी पूरी तरह चकित रह जाता है। जब वो शांत होता है वे सब स्नोबोर्ड पर चढ़ चुके हैं और जमे हुए जलप्रपात पर तेजी से नीचे की ओर स्केटिंग कर रहे हैं। वे जंगल से गुजरते हैं लेकिन क्लाउस रुकना चाहता है। उसे यह डर है कि कहीं ब्रेक टूट न जाए। आखिरकार वे एक बर्फीली जमीन पर रुकते हैं। अचानक जमीन ऊपर होने लगती है। उन्हें पता चलता है कि यह एक पनडुब्बी है। वे एक पाइप के सहारे नीचे उतरते हैं और दो जहाजियों से मिलते हैं। उनसे मदद मिलने के बाद बच्चे हाल फिलहाल सुरक्षित हैं। लेकिन एक दिन पनडुब्बी चलाते समय कप्तान को एक विशालकाय ऑक्टोपस आता हुआ दिखता है। बच्चे तुरंत डिवाइस बंद कर देते हैं और खिड़की पर आते हैं। उन्हें पता चलता है कि यह एक अजीब सी पनडुब्बी है। यह अपने तंतुओं से उनकी पनडुब्बी को जकड़ लेती है। फिर एक आदमी धीरे से नीचे उतर कर आता है। यह लैरी है। यह तंग गली में निवेदक ने कहा है।
वो बच्चों को खजाने की तलाश में समंदर की तलहटी तक डुबकी लगाने को मजबूर करता है। लेकिन जब उनमें से तीन एक खाली बंकर में पहुंचते हैं, उनका सामना जानलेवा जहरीले हाइफा मेड्यूसा फंगस से होता है। वे पनडुब्बी तक पहुंचने की बहुत कोशिश करते हैं। क्लॉस पीछे मुड़ता है और पाता है कि सनी को हाइफा फंगस इन्फेक्शन हो गया है। उन्हें जल्दी करनी होगी। लैरी को डर है कि हाइफा फंगस फैल सकता है, इसलिए वो उन्हें एक साथ डिटेंशन रूम में बंद कर देता है। सनी की बीमारी और बिगड़ जाती है, लेकिन लैरी को उनकी विनतियों का कोई असर नहीं होता और वो दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो अपने जूनियर को इन बच्चों को सबक सिखाने का हुक्म देता है। जूनियर सनी को पीटना चाहता है, लेकिन जल्दी ही जान जाता है कि उसे हाइफा फंगस इन्फेक्शन है। यह सचमुच खतरनाक है। भाई बहनों को जल्दी में देखकर वो मुड़ता है। जूनियर खुद पर काबू नहीं कर पाता और भागने में उनकी मदद करता है। वो लैरी का ध्यान दूसरी ओर भटकाने में उनका साथ देता है। फिर वे बिना रुके फ्लैशलाइट का उपयोग करके उथल पुथल पैदा करने में सफल हो जाते हैं। वे मौके का फायदा उठाकर भीड़ में शामिल हो जाते हैं और अपनी पनडुब्बी की ओर जाती हुई सीढ़ियों पर चलते हैं। उनको मिले दस्तावेजों के मुताबिक उन्हें पता चलता है कि सरसों जहर उतार सकती है। बच्चे अपने नाक और मुंह को तौलियों से ढंग कर सावधानी से सनी का हेलमेट उतारते हैं। एक बड़ा चम्मच सरसों खाने के बाद उसका बेजान चेहरा गुलाबी होने लगता है। उन्होंने हाइफा मेड्यूसा फंगस पर जीत हासिल कर ली है। वे खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं, जबकि उनके बुरे अंकल लैरी अभी भी मूर्ख की तरह अमीर बनने का सपना देख रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि बच्चे भाग गए हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद इस दुनिया में बुरी चीजें होती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अच्छी चीजें भी होती हैं। कोई भी पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता, अनुभव ही परिपक्वता है। मुझे जाना चाहिए। बाय बाय।